यहाँ मैं बना रही हूँ छोले। यहाँ मैंने डाला है प्याज, मिर्ची एंड लहसुन और अदरक का पेस्ट। वैसे लहसुन है छिलने में आलू सारा था, तो इसी को सीधा यही पेस्ट डाल दिया। ये पकाए छोले और आलू वगैरह, तो इसमें टमाटर हो गया, दालचीनी का पत्ता हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स करना ताकि आपका इसका जो बैटर है वो बन गया काफ़ी अच्छे से रेडी हो, और जो ये छिक्कल निकल रहा है ना ये आराम से निकल गया है। आप हम मसाले डाल रहे हैं, अब मैं इसी का पानी भी डाल लूँगी थोड़ा सा। अब हम इसे ढक लेंगे, इसको निकाल लेते हैं, चावल भी रख लेते हैं यहीं पर। हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने और मैं पहन लूँगी अपनी यही वाली चप्पल क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम है। ये मेरे पति, यार पति। कैसी लग रही है? और चलिए चलते हैं घूमने। जुलाई के मौसम पे होता है ना एकदम फॉगी फॉगी सा, और थोड़ी थोड़ी सी बूंदें आती है उसमें से, तो वैसे ही मौसम हो रहा है। एंड यप, अब मैं गई रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, जिसको मुझे याद आ गया है कि हेलमेट भी लेना है। तो लेट्स गो, लेट्स गो। इनमें पति थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। हम उठो, ये ऊपर वाली रोड में चलते हैं। मैं यही कह रही थी ऊपर वाली रोड को चलते, वो रोड बहुत सुंदर है। गाइस ये व्यू कितना प्यारा है, और यहाँ ट्रैफिक किस मजे में लगा है यहाँ इतना। ओह माय गॉड, आज होटल है यहाँ इसके अंदर, इधर गाइस इधर वाइन शॉप है ऊपर पे। और अब देखो यहाँ पालमपुर सिटी का नजारा, लोग पालमपुर गांव बोलते हैं बट ये किसी सिटी से कम तो नहीं है शायद। सो गाइस है यहाँ का थोड़ा सा व्यू, आप यहाँ आओगे तो आना सर, थोड़ा सा हाइट में खाने पर आपको नीचे दिख जाएगा। आगे बहुत रेयर ही है रुकने का, है नहीं कैफे आगे। हाँ रुक जाओ, खिलाओगे आज कैफे में? क्यों गाइस, ये है यहाँ का व्यू और यहाँ है हम। सो गाइस यहाँ पालमपुर में ये वाली जगह मेरी फेवरेट है, और अभी मैं आ रही हूँ ये सेकंड टाइम, पिछले साल आई थी और अब मैं इस साल आ रही हूँ, पूरा मतलब एक साल बाद आ रही हूँ। और तब भी ऐसे ही कुछ मौसम था, आई थिंक ऐसा थोड़ी सी धूप थी, मौसम ऐसा सा था। ये आज हम भी आ गए यहाँ की फेमस मोमो की शॉप पे, और
सो गाइस कद्दू ऑलमोस्ट सब पक गया एंड हम चलते हैं पूजा पाठ करने। फिर अभी हमारा दूध वाला भी आ जाएगा।